नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। আমরা যে এখানে ডিএম অফিসে একত্রিত হয়েছি এই কারণের জন্য যে আমরা সারা থেকে জমা করে করে আজকে সারার পয়সা টাইম মতো সময় মতো পাচ্ছি না, তাই জন্য আমরা এখানে ডিএম স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি। এর আগে 7ই ডিসেম্বরে আপনার একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন, তার কি রেজাল্ট কি বেরিয়েছে? রেজাল্ট আমরা এখনো কিছু পাইনি। আগামী দিনে আপনাদের রূপরেখাটা কি? আগামী দিনে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ডেপুটেশন দিচ্ছি, এমনকি বিভিন্ন জায়গাতে চিঠি করে সবাইকে জানাচ্ছি, কিন্তু তারপরে যদি কোনো কিছু না হয় তাহলে আমরা বড় রকমের আন্দোলন করতে প্রস্তুত হচ্ছি। এখানে কোথায় কোথায় থেকে লোক এসছে? এখানে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল, দুর্গাপুর, জামুড়িয়া, পুরুলিয়া, দুমানি, ফুলটি, यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? मैं मोहम्मद जावेद खान, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ पे December 7 को डीएम साहब को एक डिपोटेशन दिए थे, जिसमें सारे डिपॉजिटर को लेकर एक डिपोटेशन दिए थे, जिसमें हजारों डिपॉजिटर का अकाउंट नंबर, उसका मैच्योरिटी अमाउंट सारा सब जमा किया गया था। और डीएम साहब से गुहार किया गया था कि सर आप इस मुद्दे को देखकर इस पीड़ित डिपॉजिटर को आप पेमेंट कराने का प्रयास करें। वो दिए हुए 2 महीना हो चुका है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने 7 तारीख को फिर से आके उसमें क्या एक्शन लिया गया ये जानकारी मैंने लिया। जानकारी लेने के बाद उस दिन हम लोगों को बोला गया कि डीएम साहब से मिलिए। आज का अपॉइंटमेंट हम लोगों को डीएम साहब से मिला है, जो अभी हम लोग 12 बजे मिलने के लिए जा रहे हैं। इसमें डीएम साहब को अपना सारे परेशानी को रखेंगे, डीएम साहब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। ये अगर डीएम साहब का एक्शन हम लोगों को, पार्टी को राहत देती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन करने का हम लोगों की तैयारी है। इसका शुरुआत पोलो ग्राउंड से हम लोगों को करने के बारे में सोचे हैं। हम लोग संगठन आपस में बैठ कर इस मुद्दे पर बात हो जाएगी, मगर पहले डीएम साहब के एक्शन के बाद ही ये सब सारा काम होगा। और पश्चिम बर्दवान और पूरे बंगाल का लड़ाई और देश के विभिन्न स्टेट में भी ये अखिल भारतीय जन कल्याण मंच अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं ध्यान दिए तो जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगी। इसी के साथ अपना हम लोग विगत 7 दिसंबर 2022 को हजारों लोगों का संख्या में हम लोग डीएम ऑफिस में एक डेपुटेशन दिए थे सहारा कंपनी के विरुद्ध में। सहारा कंपनी पूरे पश्चिम बंगाल में अपने जाल को बिछाए रही थी और कई वर्षों से पैसा जमा ले रही थी, लेकिन जब मैच्योरिटी का समय आया, जब लोगों का भुगतान का समय आया, तो कंपनी भुगतान देने में मुकर रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, कोई अपनी बच्ची का शादी नहीं कर पा रहे हैं, कोई किसी घर में कोई बीमार है तो उसका बढ़िया इलाज नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोगों ने अपने भविष्य में बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस देने के लिए जो पैसा जमा किया था वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत विकट स्थिति पैदा हो गया है। आज पूरे बंगाल में हर एक जिला में हजारों लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हैं, लेकिन कंपनी इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। तो हम लोग पश्चिम बर्धमान जिले से जितने भी निवेशक हैं जो सहारा कंपनी में पैसा जमा करके जिनको नहीं मिल रहा, उनको जनसमूह लेकर के हम लोग डीएम साहब को डेपुटेशन दिए थे कि डीएम साहब अपने स्तर से इस पर कोई कार्रवाई करें। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट में जहाँ भी डीएम साहब के पास डेपुटेशन दिया गया तो विभिन्न जगहों के डीएम साहब ने अपने अपने स्तर से कार्रवाई किए हैं और उन लोगों को भुगतान भी मिला है। इसलिए आस हम लोग के अंदर में जगी कि हम लोग भी डीएम साहब के पास अपना एक मुद्दा को रखेंगे कि सहारा पीड़ितों का भुगतान के लिए कुछ विचार किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने 7 तारीख को एक डेपुटेशन दिया था। आज वही 2 महीना बीतने के बाद अभी तक चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए उस कार्रवाई के विषय में फिर से हम लोग डीएम साहब से गुहार लगाने आए हैं कि सर इस विषय पर थोड़ा सा विचार किया जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। तो आज रिमाइंडर दीजिएगा फिर। जी, आज हम लोग रिमाइंडर देंगे। ये हमारा रिमाइंडर लेटर है। इस लेटर के माध्यम से सर को हम अवगत कराएंगे कि सर 2 महीना हो गया है, अभी हम लोगों को किसी प्रकार का राहत नहीं मिला।